सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द पीएच एट विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट फॉर्म ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलार मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस। ओके सो आपको केएसपी दिया गया है। सो पहले तो आपको इसका जो डिसोसिएशन रिएक्शन है क्या होगा, Mg प्लस 2 ओके एंड प्लस 2OH माइनस। सो आप यहाँ पे इसका केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, आप मैग्नीशियम आयंस और यहाँ पे OH माइनस और जो भी कोएफिशिएंट है पावर में गया। सो यहाँ पे केएसपी का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है ओके, Mg प्लस 2 का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। सो आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा ओके एंड देन आप उससे क्या कर लोगे, POH निकाल लोगे। सो जैसे यहाँ पे आपको रिएक्शन है केएसपी, आपका फॉर्मूला लिखा केएसपी का ओके, यहाँ पे पावर 2 है ओके, सो वैल्यूज डाला यहाँ पे कैलकुलेट किया, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन -5। सो POH ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि POH आप सबको पता है क्या होता है, -log(10) OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। जो भी यहाँ पे निगेटिव रहता है पावर वही आपका कोई pH हो जाता है। So pH plus pH आपको पता है 14 होता है, hence pH का value is 9, hence correct answer is D। So इस question में क्या दिया गया है, identify conjugate acid and conjugate base respectively in the following reaction। So H2O plus HCl आपको क्या दे रहा है, H3O plus Cl minus। So यहाँ okay, so according to Lorry-Bronston theory, the substance which donates H plus ion is a acid and which accepts H plus ion is a base। So यहाँ पे H2O convert हो रहा है H3O plus में, बेसिकली इट एक्सेप्ट एस प्लस आयन, सो ये बेस हो गया और ये क्या करेगा, रिवर्स में डोनेट करेगा, इसलिए एसिड। यहाँ पे एच सी एल क्या कर रहा है, एच प्लस आयन डोनेट कर रहा है, इट इज एसिड और ये क्या है, बेस। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट पहले क्या पूछा आपको, एसिड एंड बेस। सो एसिड यहाँ पे एच थ्री प्लस है एंड उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, एच टू ओ, और एसिड क्या है यहाँ पे, एच सी एल है एंड कॉन्जुगेट बेस क्या है, सी एल माइनस। सो ये दोनों में से ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे ए भी ऑप्शन है बट आपको पहले एसिड पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हेंस करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसलिए वर्डिंग पे ध्यान रखना, जो पूछा पहले आपको वो बताना ठीक। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिली मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, मिली मोलर मतलब 10^-3 मोल है, उसका पीएच निकालने को बोला है ओके। सो आप देख सकते हैं मिली मोलर को 10^-3 मोलर, NaOH का डिसोसिएशन रिएक्शन देख सकते हैं, Na प्लस OH माइनस। सो pH क्या आएगा, -log(10) OH माइनस, कितना है अभी, जितना आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ओके। सो यहाँ पे pH का वैल्यू क्या आ गया, 3। सो ऑलरेडी आपको पता है pH प्लस pH 14 होता है, उसमें से 14-3 क्या तो 11 ओके। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, आइडेंटिफाई वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन में 4 सॉल्ट दिए गए हैं, सो वन बाय वन देखते हैं हर एक सॉल्ट कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड एंड बेस से बना है। सो आप देख सकते हैं जो आपका आपको क्वेश्चन पूछा है, वीक एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम एसीटेट है जो कि आपका एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, hence correct answer is A। अब बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि KOH एंड HBr दोनों स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4Cl क्या है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक, NH4 2SO4 क्या है, वीक बेस NH4OH एंड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इस तरह आपको ऑप्शन देखने हैं कि कौन कोई भी सॉल्ट कौन से एसिड एंड बेस से बना ओके। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, एसिड इज डिसोसिएटेड टू 1.5% इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा आपको परसेंटेज डिसोसिएशन में दिया है, इसको 100 से डिवाइड कर देना। सो बेसिकली ये क्या हो गया, 1.5 × 10^-2 एंड सी आपको क्या दिया, 0.1 मोलर मतलब 10^-m, पुट करो यहाँ पे 1.5 का 10^-2 स्क्वायर ओके इनटू आपका -1, ये कितना आ गया 2.25 × 10^-4। सो आपका आंसर कितना हो गया, 2.25 × 10^-5, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 9। सो H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको H प्लस आयन का पूछा हुआ है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। सो pH का वैल्यू 9 है, सो आपको सबको पता है pH प्लस pOH कितना होता है, 14। सो pH कितना हो गया, 14-9, 5। सो pH का वैल्यू 5 है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो गया, 10^-5। ये आपको समझा ही रहेगा क्योंकि pH क्या होता है, -log(10)
एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो ये लॉगरिथमिक को मैंने चेंज किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू माइनस फाइव है, सो ऑब्वियसली एच थ्री ओ प्लस का भी क्या रहेगा, सेम। एंड करेक्ट आंसर इज सी। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, अभी मोनोबेसिक एसिड इज 2% डिसोसिएटेड, सो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है जो कि है 2%। ओके, आपको अल्फा फिर क्या हो जाएगा, 2/100 कर दो आप इसको, 2 × 10⁻², बिकॉज परसेंट डिसोसिएशन कितना होता है 100 अल्फा। एंड इन इट्स 0.1 मोलार सॉल्यूशन, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁵ मोलार, वॉट इज इट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। सो फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, इसका स्क्वायर करो 4 × −4 इंटू सी क्या हो गया −1, 4 × 10⁻²⁵। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक एसिड। सो NaCl इज NaOH, NHCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, KCN क्या है आपका KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN इज अ वीक एसिड। सो आई थिंक ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बी, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज अ वीक एसिड। कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, N2SO4 है, ये आपका क्या है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। NaNO3 क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या है बी, जहाँ पे KOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCN क्या है वीक एसिड। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, सॉल्यूशन है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OH- आयन। सो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻³ मोलार, सो pH वैल्यू क्या हो जाएगा −log(10) H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सो −log(10), ये 10⁻³, ये 10 है सेम है, −3 आगे आएगा, ये आपको पता है 1 हो जाता है। ओके, सो ये आपका pH कितना आ गया 3, सो pH प्लस pOH आप सबको पता है कितना होता है 14, सो pOH कितना हो गया 14 − 3, ये कितना हो गया 11। ओके, सो pOH आप सबको पता है क्या होता है −log(10), OH- का कॉन्सेंट्रेशन, सो −log(10), OH- का कॉन्सेंट्रेशन, सो 10⁻¹⁰, ये log(10), OH- दोनों साइड आप ओके, सो जस्ट कन्वर्जन है इसका, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा OH- का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻¹⁰। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, अभी मोनो एसिडिक बेस इज 1.2% डिसोसिएटेड, सो आपका परसेंटेज अल्फा इक्वल 100 अल्फा कितना दिया है 1.2%, सो अल्फा क्या हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मींस 1.2 × 10⁻², एंड कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया 0.2 मोलार मींस 2 × 10⁻¹ मोलार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, सो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, सो इसका स्क्वायर करो 1.2 × 10⁻², स्क्वायर सी कितना है 2 × 10⁻¹, सो ये आपका ये हो गया 1.44 × 10⁻⁴, आपका 2 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 2.88 × 10⁻⁵। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए। सो इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। सो इन पीएच, ओके, सो आपको पता रहेगा पीएच इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल, उससे ज्यादा होता है तो बेसिक, एंड ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक, एंड लेस देन 7 होता है तो एसिडिक। सो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल जाते, सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ऑब्वियसली इसका पीएच क्या रहेगा, लोअर रहेगा। NH4NO3 क्या है आपका, इट इज अ व्हाट, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि NH4OH और HNO3 से बना हुआ है, तो हाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HNO3, तो इसका भी pH क्या है लोअर है। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH 7 है। NaCl क्या है, NaOH एंड HCl, सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है इसलिए ऑब्वियसली ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसका पीएच क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, सो ये एसिड है, ये कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, और ये क्या आपका बेसिक सॉल्ट है। सो आपका करेक्ट आंसर इज ए। ओके,